आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे बेहतरीन क्रोम एक्सटेंशन बताने वाला हूं जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होंगे, बहुत ही ज़्यादा यह आपका टाइम भी बचाएंगे। तो अगर आप भी इन क्रोम एक्सटेंशन के बारे में जानना चाहते हैं तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक हमारी इस वीडियो को ज़रूर देखें। मेरा नाम है शुभम अग्रवाल और आप देख रहे हैं साइबर बाबा यूट्यूब चैनल। ओके गाइस, तो इस लिस्ट में जो हमारा सबसे फर्स्ट क्रोम एक्सटेंशन आता है वह आता है अमेज़ॉन असिस्ट। बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एक्सटेंशन है। अब यह एक्सटेंशन काम कैसे करता है, इसके लिए हम चलते हैं किसी एक डिफरेंट साइट पर, जैसे कि यहाँ से मैं चलता हूँ फ्लिपकार्ट पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने एक प्रोडक्ट को ओपन किया है जिसका प्राइस है 62,990 रुपये। यहाँ पर आप देखेंगे तुरंत ही अमेज़ॉन असिस्ट की तरफ से यहाँ पर एक पॉपअप ओपन होता है जहाँ पर इसका प्राइस लिखा हुआ है 64,500 रुपये। हम किसी एक डिफरेंट प्रोडक्ट को सर्च करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं सर्च करता हूँ कॉलर माइक। अब यहाँ पर आप देखेंगे आपको डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के कॉलर माइक शो हो रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे वोया कॉलर माइक। तो यह जो एक्सटेंशन है यह आपकी हेल्प करता है शॉपिंग में। जैसे ही आप किसी भी शॉपिंग साइट पर जाते हैं यह एक्सटेंशन एक्टिवेट हो जाता है और उस प्रोडक्ट का आपको प्राइस निकाल कर देता है जो कि अमेज़ॉन पर हो। इसके अलावा अगर आप इस एक्सटेंशन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको कुछ बेस्ट ट्रेंडिंग डील्स भी मिल जाती हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे टॉप ट्रेंडिंग डील्स। यहाँ पर अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे डील ऑफ द डे, तो जो डील्स चल रही हैं वह भी आपको शो होती हैं। इसके अलावा जो बेस्ट ऑफर्स होते हैं वह आपको आज की रेट के शो होते हैं। तो एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एक क्रोम एक्सटेंशन है, सजेस्ट करूँगा मैं एक बार आप इसे ज़रूर यूज़ करें। बढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट क्रोम एक्सटेंशन की तरफ जो कि है वीडियो डाउनलोडर प्लस। जी हाँ, यह भी एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल सॉफ्टवेयर है। अब यह काम कैसे करता है, फॉर एग्जांपल आपको किसी भी पेज से वीडियो को डाउनलोड करना है, जैसे कि आप अमेज़ॉन पर हैं, यहाँ पर आप देखेंगे आपको कुछ वीडियो शो हो रहे हैं। अब आपको इन वीडियो को डाउनलोड करना है तो सिंपली आपको करना क्या है, इस एक्सटेंशन पर आपको जाना है और यहाँ पर जाकर आपको सिर्फ एक क्लिक करना है। यहाँ पर आप देखेंगे इस एक्सटेंशन ने इस पेज से रिलेटेड वीडियोस को फाउंड कर लिया है। यहाँ पर हमको दो वीडियोस मिल चुकी हैं, तो वन क्लिक कर आप यहाँ से किसी भी वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह से आप फेसबुक या फिर जो मल्टीपल पेजेस होते हैं जहाँ से भी आप वीडियोस को डाउनलोड करना चाहते हैं, वन क्लिक कर आप वीडियोस को डाउनलोड कर सकते हैं। बढ़ेंगे वीडियो के हम नेक्स्ट एक्सटेंशन की तरफ जो कि है नाइट शिफ्ट। यह एक्सटेंशन भी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे कुछ इस तरह से आपको लोगो देखने मिलता है, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे आपको मल्टीपल कलर्स देखने मिल जाते हैं। अब होता क्या है कि जो वाइट कलर होता है जब आप रात को लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप यूज़ करते हैं तो आपकी आंखों में बहुत ही ज़्यादा चुभता है और लंबे समय तक आप काम नहीं कर पाते। बट नाइट शिफ्ट एक ऐसा क्रोम एक्सटेंशन है जिसके माध्यम से आप कलर के टेम्परेचर को सेट कर सकते हैं। सिंपली आपको इनेबल करने के लिए यहाँ पर आपको टिक करना होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो कलर है वह थोड़ा सा चेंज हो चुका है। यहाँ से आप इसके टेम्परेचर को भी एडजस्ट कर सकते हैं कि इसका टेम्परेचर आपको कितना सेट करना है। नीचे साइड अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको और कुछ कलर्स मिल जाते हैं, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार यहाँ से कलर्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इससे होगा क्या कि जब रात को आप लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप को यूज़ करेंगे तो आपकी आँखों पर जोर नहीं पड़ेगा और आप लंबे समय तक भी लैपटॉप पर काम कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे आपको शेड्यूल का एक ऑप्शन मिल जाता है, तो अगर आप शेड्यूल भी सेट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप शेड्यूल को भी सेट कर सकते हैं, जैसा कि आप आईफोन में सेट करते हैं कि पर्टिकुलर इस टाइम से लेकर इस टाइम तक जो टेम्परेचर है वह इस तरह से रहेगा। तो यह भी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन है, एक बार आप इसे ज़रूर यूज़ करें। बढ़ेंगे हम वीडियो के अपने नेक्स्ट एक्सटेंशन की तरफ जो कि है कस्टम कर्सर। तो यह भी एक बहुत ही बेहतरीन एक्सटेंशन है, हालांकि ज़्यादा इसका कोई यूज़ नहीं है बट इन्जॉयमेंट के हिसाब से बहुत ही बेहतरीन है। तो सिंपली आपको करना क्या है कि यहाँ से आपको किसी भी कैरेक्टर को सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं इस कर्सर को सिलेक्ट करता हूँ, आपको डबल क्लिक करना है तो यहाँ पर हमारा कर्सर एक्टिवेट हो चुका है। अब आप इसकी सेटिंग्स में भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे आपको जो साइज़ देखने मिल रहा है, अगर आप इसके साइज़ को कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसके साइज़ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप वीडियोस बनाते हैं, आप यूज़र को कुछ डिटेल में बताना चाहते हैं पर्टिकुलर लोकेशन पर, तो इस कंडीशन पर यह बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। यहाँ पर आप देखेंगे आपको मल्टीपल कर्सर्स मिल जाते हैं जिसे आप वन क्लिक कर एक्टिवेट कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप और डिफरेंट कर्सर चाहते हैं तो यहाँ पर मोर कर्सर पर आप क्लिक करें
तो यहाँ से यह ले जाता है आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहाँ से आप किसी डिफरेंट कर्सर को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी यहाँ से मैं इसे डिसेबल करता हूँ। बढ़ेंगे हम अपनी वीडियो के नेक्स्ट एक्सटेंशन की तरफ, जिसका नेम है गॉर्जियस। यह भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल क्रोम एक्सटेंशन है। अब कई दौरान होता क्या है कि हमको किसी मेल का रिप्लाई करना है या फिर अर्जेंट किसी चीज़ को टाइप करना है, बट उस समय हमारे पास टाइम नहीं होता। जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पर मैं लेता हूँ, जो एच की को हिट करेगा वह होगा से हेलो। यहाँ पर आपको करना क्या होता है कि आपको टेम्पलेट्स क्रिएट करनी होती हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने YouTube के नाम से एक टेम्पलेट क्रिएट की है, जिसमें स्पॉन्सरशिप का एक प्रपोजल है। अब मल्टीपल कंपनियों को मेरे को प्रपोजल भेजना पड़ता है, तो इतना सारा टाइप करना या फिर उसे कॉपी पेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए यहाँ पर मैंने एक टेम्पलेट को क्रिएट किया है। अब अगर मैं जीमेल पर जाकर यूट्यूब को टाइप करता हूँ तो ऑटोमेटिक ही यह सारा डेटा उसमें आ जाता है। हम एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे मैंने मेल को ओपन किया है, यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ यूट्यूब और सिंपली आपको टैब को प्रेस करना है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि सारा डेटा जो कि हमारे पास स्की में स्टोर था वह आ चुका है। तो इस तरह से आप इस एक्सटेंशन को यूज़ कर सकते हैं और अपनी न्यू टेम्पलेट्स को क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास जो एक्सटेंशन है वह बहुत ही ज़्यादा फेमस है, हो सकता है कि आप भी इस एक्सटेंशन को यूज़ कर रहे हों, जो कि है ग्रामरली। जैसा कि आपको भी पता है कि ग्रामरली का अगर आप एक्सटेंशन डाउनलोड करते हैं, अगर आपके सेंटेंस में कोई भी प्रॉब्लम है या फिर कोई भी मिस्टेक है स्पेलिंग या फिर ग्रामर में कोई भी प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर आपको एक नोटिफिकेशन या फिर आपको वार्निंग मिल जाती है। तो इसे मुझे समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही आपसे बोलूँगा कि अगर आप एक ब्लॉगर हैं, यूट्यूब पर काम करते हैं, तो ग्रामरली एक्सटेंशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। यहाँ पर जैसे मैं टाइप करता हूँ हाउ आर यू और यू में मैं थोड़ा सा मिस्टेक करता हूँ, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि हमारे सामने एक अलर्ट आ चुका है। सिंपली आपको करना क्या है कि इस पर क्लिक करना है, यहाँ से आप इसे करेक्ट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ग्रामर में आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प होती है इस ग्रामरली एक्सटेंशन को यूज़ करके। बढ़ेंगे वीडियो के हम नेक्स्ट एक्सटेंशन की तरफ, जिसका नेम है सुपर सिंपल हाइलाइटर। जैसा कि आप नाम से ही समझ रहे हैं, यह एक हाइलाइटर के जैसे यूज़ करता है। अब इसे हम समझते हैं एग्जाम्पल से। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से मैं इस पैराग्राफ को हाईलाइट करना चाहता हूँ। सिंपली आपको पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक आपको करना है, यहाँ पर आप देखेंगे आपको हाइलाइटर का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से आप इसे हाईलाइट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसे रेड कलर में करना चाहता हूँ, रेड हमने किया, तो यहाँ पर अभी आप देखेंगे कि हमारा यह पैराग्राफ हाईलाइट हो चुका है। अब इस हाइलाइटर का आप यूज़ कैसे कर सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं, आपको उसको नोट डाउन करना है, तो इस तरह से आप इसे हाईलाइट कर सकते हैं। अगर आप टेक न्यूज़ को फाइंड कर रहे हैं, अपने ब्लॉग के लिए कंटेंट ढूंढ रहे हैं, या फिर कोई भी पॉइंट हो सकता है जिसके लिए आपको हाईलाइट करना हो, तो सिंपली वन क्लिक कर आप इस तरह से हाईलाइट कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको क्रॉस साइन भी मिल जाता है, जिसके माध्यम से आप इसे रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे आपको मल्टीपल कलर्स मिल जाते हैं, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार उन्हें चेंज भी कर सकते हैं। बढ़ेंगे हम अपनी वीडियो के नेक्स्ट एक्सटेंशन की तरफ, जिसका नेम है प्रिंट फ्रेंडली एंड PDF। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे इस पेज को प्रिंट करना है, तो यहाँ से मैं इस पेज को प्रिंट करता हूँ। अब जैसे ही मैं इसे प्रिंट करने ले जाता हूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे कुछ अनवांटेड टाइप का पार्ट्स होता है जो इसके साथ प्रिंट होता है, जो कि मुझे प्रिंट नहीं करना। तो आपको करना क्या है, सिंपली आपको इस एक्सटेंशन पर जाना है और वन क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने यह पेज आ चुका है, जिसे आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप नहीं चाहते कि जो हमारा फर्स्ट पैराग्राफ है वह प्रिंट हो, तो वन क्लिक कर आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं, चाहें तो आप इसे अंडू भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें इमेज का साइज़ कम करना, तो यहाँ से आप इमेज का साइज़ भी कम कर सकते हैं। अगर आप चाहें टेक्स्ट का साइज़ कम करना, तो यहाँ से आप टेक्स्ट का साइज़ भी कम कर सकते हैं। अगर आप इमेज को रिमूव करना चाहते हैं, तो आप रिमूव भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप एक सिस्टमेटिक तरीके से किसी भी पेज का प्रिंट दे सकते हैं इस क्रोम एक्सटेंशन के माध्यम से। तो एक बार आप इस क्रोम एक्सटेंशन को ज़रूर यूज़ करें। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा जो एक्सटेंशन है वो भी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, जिसका नेम है पिक्चर एंड पिक्चर एक्सटेंशन। अब ये एक्सटेंशन काम कैसे करता है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम चलते हैं यूट्यूब पर, यहाँ से मैं इस वीडियो को ओपन करता हूँ, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि हमारी ये वीडियो ओपन हो चुकी है। सिंपली आपको करना क्या है, किस एक्सटेंशन पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर अभी आप देखेंगे
कि मैंने यहाँ से क्लिक किया तो वीडियो में हमको एक साइड बार मिल चुका है। अब अगर आप किसी भी पेज पर जाते हैं तो आप वीडियो को देख सकते हैं उसी सेम पेज पर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैं फ्लिपकार्ट को ओपन करता हूँ तो यहाँ पर हमारा फ्लिपकार्ट भी ओपन हो चुका है और साथ में हम वीडियोस को भी देख रहे हैं। आप साइज को भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यह एक्सटेंशन भी बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है उन लोगों के लिए जो मल्टीपल पेजेस पर काम करते हैं, मल्टीपल वेबसाइट्स पर जाते हैं और वीडियोस को भी देखना पसंद करते हैं। सो फ्रेंड, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। एक नई वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए #साइबर बाबा।